Assalamu alaikum. Welcome to my channel viewers. Please don't forget to subscribe my channel. आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो है मछली के सालन की रेसिपी. और इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, इसके लिए मैंने 1 किलो मछली ले ली है. आप इसमें किसी भी तरह के पीस यूज़ कर सकते हैं. और जो इसमें हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे, प्याज मैंने 3 से 4 अदद ले लिए हैं. इनको मैंने अच्छे तरीके से काट लिया है. अब ये होगा कि आपने इसमें प्याज और टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा लेनी है क्योंकि हम इसका सालन तैयार कर रहे हैं, तो हमें इसका मसाला जो है वो ज़्यादा बनाना है. तो आप उसी लिहाज से टमाटर और मिर्चों की क्वांटिटी लेंगे. 3 अदद जो है टमाटर मैंने बड़े बड़े काट लिए हैं. इसी तरह से आपने स्लाइस बना लेने हैं. अब इसमें जो हम स्पाइसेस यूज़ करेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया, ये साबुत धनिया लेना है आपने. आप चाहें तो इसको जो है वो पीस भी सकते हैं. 1 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, थोड़ी सी जो है वो सब्ज मिर्चें ली हैं, 1/2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट. ये पेस्ट नहीं, इसको मैंने क्या किया, चॉप्ड कर लिया है. अब सबसे पहले क्या करेंगे, मैं फ़िश को फ्राई होने के लिए रख देती हूँ. फ़िश को हमने फ्राई करना है और अलहदा से इसका हमने मसाला तैयार करना है. सबसे पहले हम फ़िश को रेडी वो फ्राई कर लेते हैं. पहले हम फ़िश को फ्राई कर लेते हैं इस तरह से. फ्राई इसको अच्छे तरीके से करना है और फिर जब हमारा मसाला रेडी हो जाएगा उसमें हम इस फिश को रख के तो इसका दम दे देंगे अच्छे तरीके से. अब एक साइड पे हम मसाला तैयार करते हैं इसका. उतनी देर में हमारी फ़िश जो है वो सारी फ्राई हो जाएगी. अब हम एक साइड पे मसाला रेडी कर लेते हैं जितनी देर में हमारी फ़िश फ्राई हो रही है. हसबी ज़रूरत है इसमें मैंने ऑयल ले लिया है. तकरीबन आप इसमें बस ऑयल थोड़ा कम ही लेंगे क्योंकि हमने फ़िश फ्राई करनी है, उसका भी जो थोड़ा सा ऑयल होगा इसमें मिक्स हो जाएगा. तो हम अदरक लहसुन का पेस्ट और जो हमारे पास प्याज है इनको सबसे पहले ऐड करेंगे. पहले प्याज ऐड करेंगे, देन हम जो इसमें चॉप्ड अदरक लहसुन थी उसको ऐड करेंगे. अब इसको दम वाली आंच पे रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए ताकि हमारे जो प्याज है और अदरक लहसुन का पेस्ट है वो थोड़ा सा पक जाए. उसके बाद बाकी हम इसमें फर्दर चीज़ें ऐड करेंगे. इसमें यह है कि आपने प्याज को ज़्यादा जो है वो ब्राउन नहीं करना, इसको बस लाइट सा हमने पकाया. उसके बाद इसमें हम साथ ही सारी चीज़ें ऐड कर देंगे. टमाटर, बस ये होगा कि हम जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो लास्ट में ऐड करेंगे. अब हम सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे. गरम मसाला, भुना हुआ साबुत धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च. अब इसको क्या करेंगे, हम मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे. लेकिन ये होगा कि आपने इसको कवर करके रखना है बिल्कुल. अब मसाला इसमें यह है कि आपने थोड़ा सा खड़ा खड़ा ही रखना है. लास्ट में इसमें हम सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे. अब इसको हम लो फ्लेम पे जो है वो 1/2 घंटा पकाते हैं. आप देखेंगे कि हमारा जो मसाला जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पक जाएगा. तो उसके बाद लास्ट में जो फ़िश फ्राई कर रहे हैं उसको ऐड करेंगे. फिर इस पे जो है लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे और इसको दम दे देंगे और हमारे बहुत ही मज़े का मछली का सालन रेडी है. अब जैसे आप देख रहे हैं मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है. अब जो मैंने फ़िश के पीसेस फ्राई किए हुए थे इनको हम ऐड करेंगे इसमें. और आपने क्या करना है, इसका जो हमने फ्लेम है बिल्कुल इसको लो फ्लेम पे दम वाली आंच पे रख के इसको हमने पकाना है ताकि जो हमारे पीसीज हैं जो मसाले के साथ लग जाएं. आप देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल सी हांडी है ये. कोई इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो आपको घर से ना मिल सके. सारे इंग्रेडिएंट्स वही हैं जो आप घर में आम यूज़ करते हैं. लेकिन जब आप ये बनाएंगे और इसका टेस्ट आपको बहुत ही मज़े का लगेगा. अब लास्ट में इसमें मैं गरम मसाला ऐड करूँगी और थोड़ा सा धनिया के पत्ते और इसको हम दम दे देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए. और हमारी फ़िश का सालन बिल्कुल रेडी है. इसको हम थोड़ी देर के लिए दम दे देते हैं. बहुत ही मज़े का हमारा फ़िश का सालन जो है वो रेडी है. आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपने रिव्यूज़ और कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा. अगर आपको मेरी रेसिपी में कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि मेरी आने वाली सबसे पहले रेसिपीज़ आपको मिल सकें. अपनी दुआओं में याद रखिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.